हे hey, क्या कर रहा है? बिजी लग रहा है। हाँ बोलना। एक्चुअली घर पे शादी है यार, तो कुछ आर्टिस्ट लोगों को बुक करने का था। चाहिए एक एमसी, सिंगर्स, डीजे, म्यूजिशियन, डांसर्स, स्पेशल एक्ट और मैजिशियन और एक इवेंट कंपनी। और मजे की बात क्या है मालूम? ये सब लोग अभी डिस्काउंट में आएंगे क्योंकि अभी कोरोना है और किसी के पास भी बिजनेस नहीं है। और अभी इन लोगों को फोन करता हूं और कहता हूं कि भाई आना हो तो आ जाओ, बजट नहीं है। कैसा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है लेकिन रुक। भाई ये बताइए कितना है? 500। अब 500? अब कितना है? 500 ही। अब इसको क्रश कर कर डस्टबिन में डाल दूंगा। अब बता अब कितना है? 500 ही। और इसको ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। तू लेगा? ऑब्वियसली क्रश होने से वैल्यू थोड़ी बदलता है। कहने का मतलब ये है कि जब इस पेपर का वैल्यू कितना क्रश होने पर भी नहीं बदला, मैंने तो इसको क्रश करके डस्टबिन में भी फेंका, फिर भी इसका वैल्यू नहीं गया और तू रेडी था ये लेने के लिए। भाई हम आर्टिस्ट लोग भी है ना, ऐसे ही है। चाहे कितने भी मुसीबत आए, चाहे कितने भी ऐसे क्रशस आए और ऐसे गिरे, लेकिन वैल्यू कभी नहीं गिरेगा। मानता हूं कि इस कोरोना के वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को काम नहीं है और हम ऐसे हो चुके हैं, लेकिन वैल्यू कभी नहीं घटेगा। हम दोबारा ऐसे होंगे और हमारा वैल्यू कभी नहीं घटेगा। कुछ समझा? समझ जाएगा। सही है दोस्त।